Hi, namaste and welcome back to my YouTube channel, Truly Twisted. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं एकदम मस्त हूँ. वैसे आज का वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन पुराना नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ है. एंड जहाँ बात आ जाती है पाकिस्तान को रोस्ट करने की, तो वीडियो का कभी भी पुराना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान की रोस्टिंग तो हम जब मन चाहे, जहां मन चाहे तब कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक को लेकर कर सकते हैं. सो आज का वीडियो भी एक रोस्ट वीडियो है. एंड ये वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो मैच हुई है अभी अभी, उस मैच के ऊपर है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया ने इस बार जीत लिया है मैच पाकिस्तान से, वो भी 5 विकेट से. एंड बहुत ही टक्कर वाली मैच हुई थी. सो अब ये वीडियो में कैसी रोस्टिंग है, क्या कहा जा रहा है, या हम सबको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन था, मतलब पब्लिक का, आफ्टर जब उन लोगों को पता चला कि भाई पाकिस्तान हार चुकी है उसके बाद. सो वो तो पता नहीं, वो इस वीडियो पे ही पता चलेगा. तो चलिए देना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं. So guys, let's begin the video. इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा. इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ही विन करेगा. पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. पाकिस्तान पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा. A few moments later, एशिया कप, भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है. भारत जीत गया है ये मैच. हां भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद. हेलो, एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला हाई वोल्टेज मैच जीत चुका है, जिसका कुछ पोर्कियों पर इतना तगड़ा सदमा लगा है कि वो पाकिस्तान के हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला, इंडिया लास्ट ओवर में जीत रहा है, इंडिया हार है बेसिकली फॉर अस. भाई आईसीसी, हार के फेंक दो अपने नियम कानूनों की किताबों को. अब से क्रिकेट में पोर्कियों के ही नियम कानून चलेंगे. लास्ट ओवर में जीतने वाली टीम विनर नहीं, हारी हुई मानी जाएगी. साले कल के लौंडे सिखाने लगे. मतलब बंदे मुल्क में चल रही कंगाली की वजह से टीवी नहीं फोड़ पा रहे, तो मुँह से बतासे ही फोड़ रहे हैं. हारने के बाद भी बंदे मानने को तैयार नहीं कि ये इंडिया से हार चुके हैं. और क्यों? क्योंकि पिछले साल इंडिया से एक मैच जो जीत गए, और उस जीत ने पाकिस्तान के अंदर इस कदर कॉन्फिडेंस भर दिया कि बंदे मैच से पहले ही पाकिस्तान को एक तरफा विनर घोषित कर चुके थे. इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो है वही सब पे हैवी होगा, और इंडिया को तो पिछली दफा भी 10 विकेटों का मजा चखाया हुआ है. इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीतेगा, पिछली बार भी सबको पता है. इंडिया को जैसे पिछली बार हमने हराया, इस बार भी हराएंगे इंडिया को. पिछली बार चला, एक साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन पोर्की पिछले साल में ही अटके हुए हैं. भाई पोर्कियों ने अपने आप को इस तरह ढल लिया है कि ये पाकिस्तान की एक जीत को सालों साल एंजॉय कर सकते हैं. और भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे इंडिया से मैच जीतने में इन्हें 1 साल लगे या 10 साल, ये तब भी यही बोल रहे होंगे. आजादी से भी बड़ी बात है ये. इंडिया को 2021 में हराया. भाई 2021 मैच से याद आया, पोर्कियों को इस बात की बड़ी शिकायत थी कि उनके सभी बल्लेबाजों की बैटिंग नहीं आ पाई. तो भाई इस बार हिसाब क्लियर, कोई बल्लेबाज रह तो नहीं गया. बराबर है, एवरीथिंग ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग, नो चीटिंग. मतलब भाई बंदे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए. गजब बेइज्जती है. और इधर इंडियन टीम, जडेजा और पांड्या ने मिलकर पाकिस्तानी बॉलर को पेलना जो शुरू किया, बंदों ने ग्राउंड में रोना ही स्टार्ट कर दिया. ना 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 बेटा, ना रोते नहीं. और जैसे ही इंडिया मैच जीता, स्टेडियम छोड़कर होटल जाते हुए शाहीन अफरीदी, मेरी एक टांग नकली है, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी था. और भाई मैच से पहले बाबर और रिजवान का तो पोर्कियों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ था जैसे पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ियों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये 2 बल्लेबाज ही पाकिस्तान को जीत दिला देंगे. रिजवान और बाबर आजम ही काफी है, हमारे 2 बाबर और रिजवान ही बहुत है उनके लिए. अल्लाह का शुक्र, इस बात में हमारे पास बाबर आजम तो है ना, तो वन मैन आर्मी है. पहला तो जो उनका पाकिस्तान का जो बेहतरीन आउटक्लास बाबर आजम, उसका तो तोड़ ही पूरे इंडिया में नहीं है. और उधर बाबर आजम कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई. बाकी बाबर का हसरा मैच में देख ही चुके होंगे, जिसका पोर्कियों के हिसाब से इंडिया के पास कोई तोड़ नहीं था. वो बंदा कुछ गेंदों में खुद टूटकर ग्राउंड के बाहर पहुंच गया. और बात रही रिजवान की पारी की, तो भाई रिजवान के बारे में पोर्की खुद बताएंगे. रिजवान एक ऐसा हमारा ओपनिंग बैट्समैन है जो अल्लाह के बगैर नहीं चलता, मैदान में नहीं उतरता. भाई ना सिर्फ रिजवान बल्कि तो हर प्लेयर जो है वो अल्लाह का नाम लेके मैदान में उतरता.
लेकिन इसके बावजूद भी मैच से पहले पोर्कियों का कॉन्फिडेंस लेवल देखो। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, बड़ी आसानी से जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा आसानी से या मुश्किल आसानी से? मतलब बंदे 20 ओवर तक पूरे नहीं खेल पाए, बॉलिंग कराते कराते अधमरे हो गए, हर बॉल पर आउट होने की जबरदस्ती अपील करते फिर रहे थे, लेकिन फिर भी पोर्कियों का कहना था बड़ी आसानी से जीतेगा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और भाई रिजवान की तो विकेट के पीछे बकचोदी ऐसी चल रही थी मानो हर बॉल बल्ले का चुम्मा लेकर इसके हाथों में जा रही हो। हर बॉल पर अपील, साला बैट से बॉल का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं, उसके बावजूद भी हर गेंद पर रिजवान अंपायर से आप दो ना। उधर अंपायर नाक में दम कर रखा तूने। भाई पाकिस्तान में तो बकचोदी ही अलग चलती है, हर कोई जबरदस्ती मांगने पर अड़ा रहता है। कटोरा खान फिर से सत्ता मांग रहा है, शहबाज शरीफ दूसरे देशों में जाकर भीख, आवाम दो वक्त की रोटी मांग रही है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जबरदस्ती जी। मतलब खुद के बलबूते कुछ नहीं करना, बस ख्याली पुलाव बनाते रहो। और यही तो किया पोर्कियों ने मैच से पहले भी, पाकिस्तान को एक तरफा विनर घोषित करके रख दिया था। कोई 99% पाकिस्तान के जीतने की गारंटी दे रहा था। 10% चांसेस, 99% चांसेस तो कोई 100% पाकिस्तान 100% 100% है पाकिस्तान के चांस। और कुछ पोर्की तो अपनी दिमागी जीत की भावनाओं में इस कदर बह गए कि उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला पाकिस्तान के तो हरा नहीं सकते, पाकिस्तान नहीं हारता ये पक्का यकीन है। भाई जब जब मैं पाकिस्तान के ऐसे नमूनों को देखता हूँ तो दिमाग में बस यही लाइन गूंजती है, कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। भाई पता नहीं ये पोर्की किस उच्च कोटि के नशे में रहते हैं कि इन्हें दुनियादारी की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, इनके लिए वही सत्य है जो इनके दिमाग में चलता है। पिछली दफा जब इनको सही तरीके से धोया है, इस बार भी इसी तरह होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार भी पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया का गुरूर खाक में मिलाएगा। जीत गए झोपड़ी वालों, अब एक काम करो, अपने इस मुंह को 270 डिग्री घुमाते हुए नीचे से पीछे की ओर लेकर जाओ और अपने पिछवाड़े में डाल लो। भाई आखिर में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा अरे बोला पाकिस्तान की माता कंट्रोल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस सही बात है, पाकिस्तानियों की तो मतलब सोच की जहालत की क्या ही बात करें, मतलब बियॉन्ड द नेक्स्ट लेवल है उनकी सोच और एक्सपेक्टेशंस। स्पेशली वो लोग जिस तरीके का प्रेडिक्शन करते हैं वो तो भाई साहब पता नहीं कहाँ का कौन सा प्रेडिक्शन है कि भाई 100% पाकिस्तान जीतेगा। लास्ट ओवर में रन बनाना इज नॉट वैलिड। वैसे पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स को मौका दिया गया भाई, इंडियन खिलाड़ियों ने सभी को बराबर का मौका दिया है स्कोर ये करने का, लेकिन अब आप सबने इतना स्कोर किया कि भाई हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत आसान था उतना टारगेट अचीव कर लेना, तो वी कांट हेल्प। वैसे भी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था, मतलब एशिया कप होने से पहले, उसमें एक बंदे ने बोला था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम है। आई रिमेम्बर हिज वर्ड्स कि वो उसने बोला था, इनफैक्ट 3 या 4 बार उसने रिपीट करके यही चीज बोला था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम है। सो वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम को तो भाई इंडिया टीम ने छक्के छुड़ा के बाहर निकाल ही दिया भाई, वो हम सबने देख ही लिया। वैसे इंडिया की भी चांसेस काफी ज्यादा डरावनी हो गई थी बीच में, मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था कि कहीं हम मैच हार ना जाएं, लेकिन फाइनली जब एंड होने लगा, इनफैक्ट 13 या 14 ओवर्स के बाद लगा कि नहीं अब तो भाई जोश आया है, अब तो हो जाएगा, अब पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद ही मुझे थोड़ा लग रहा था कि नहीं नहीं हो सकता है। एंड लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन था दिनेश कार्तिक जी का, मतलब अमेजिंग, जिस तरीके से उन्होंने इशारा करके बोला अरे हाँ हाँ ठीक है आराम से खेल मार वाला, मतलब आई लव्ड हिज रिएक्शन यार। मैंने उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाया, अगर मेरे पास कोई होता ऐसा क्लिप वगैरह मैंने अगर कैप्चर किया रहता तो मैं जरूर से एड ऑन कर देती, मतलब इतना धांसू लगा था ना मेरे को उनका वो लुक जिस तरीके से उसने बोला अरे आराम से मार, एंड लास्ट वाज अ सिक्स, मतलब अमेजिंग क्या मैच थी। मतलब मुझे तो काफी ज्यादा मतलब मजा आता है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान, मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन बात वही है कि कोई कंपेनियन नहीं रहता है यार कि किसके साथ
बातचीत करें एंड मैच देखें, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा हाई हो, तो इस वजह से क्रिकेट को साइड रखना पड़ता है। पर कोई ना, जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है तो भाई अंदर से वो जोश ऑटोमेटिक आ जाता है एंड देख ही लेते हैं मैच आखिर, भले अकेले देखे पर देखते जरूर से हैं। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा जिस तरीके से भाई ने पूरा रोस्ट कर डाला सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही नहीं, पाकिस्तान के पूरे आवाम को, मतलब पूरा रोस्ट कर डाला, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा यार अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और इस वीडियो को भी देख ले, और क्या शेयर तो आप सब कर ही देंगे जरूर से, जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करें एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।